हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले एफसीआई प्रीलिम्स एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि इसका जो पेपर हुआ था 31 मई से लेकर कब तक हुआ था, 3 जून तक, है ना। पेपर 31 मई से लेकर 3 जून तक हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे फेज़ वन यानी कि प्रीलिम्स हुआ था, जो कि 100 मार्क्स के लिए हुआ था। और जो पेपर हुआ था आपका कैसा होता था, बैंकिंग पैटर्न पर आया था ना। मैं पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम जो होगा आपका बैंकिंग पैटर्न पर होगा, तो यहाँ पे बैंकिंग पैटर्न पर ही हुआ था पेपर। और 100 मार्क्स के थे और आईबीपीएससी से कंडक्ट कराई थी। तो अब है कि आपका 31 मई से लेकर 3 जून तक हो चुका है यहाँ पे पेपर। अब है कि रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। रिजल्ट आपको महज 1 वीक के अंदर में डिक्लेयर हो जाने की 100% उम्मीद जताई जा रही है। लगभग 30 जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ आपका जुलाई में 100% रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। आईबीपीएस का जो है कि 25 से 30 दिन के अंदर में वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, तो उसके अनुसार यहाँ पे 25 से 30 दिन हो जाएंगे जहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने की उम्मीद जताई जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज हम बात करेंगे, ठीक है। जोन वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फटाफट हम जानते हैं, और उसके पहले जानेंगे जो हर जोन में कितना कितना सीट है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि यार टोटल सीट कितना था। टोटल 4103 सीट था, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे जोन वाइज, अगर देखें तो जोन वाइज जो है यहाँ पे, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूँ पोस्ट कोड, ठीक है। पोस्ट कोड ABCDEFGHI, ठीक है। तो पोस्ट कोड के अनुसार आप लोग अपना देख लीजिएगा, जो कि एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ पोस्ट कोड और जोन वाइज, ठीक है। तो नॉर्थ जोन का सबसे पहले हम बात करेंगे, 1999 सीट था, सबसे ज़्यादा सीट आपका नॉर्थ जोन में था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसे बहुत ज़्यादा ये अपने दिल से नहीं ले लेना, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पेपर का लेवल था उसके अनुसार यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका जो भी सुझाव होगा आप हमें कमेंट करके बताना यार, कि आप जो बता रहे हो वो उसके अनुसार नहीं बल्कि इतना कट ऑफ जाएगा, है ना। तो आप लोग भी अपना कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है, या आपने जो आपने अगर पेपर दिया, आपको लगता है कि भाई पेपर का अनुसार जो मैंने पेपर दिया उसके अनुसार कट ऑफ ये होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ जोन का। नॉर्थ जोन का अगर बात करें, पोस्ट कोड ए, पोस्ट कोड ए मीन्स की जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर का था पोस्ट कोड, जिसमें कि अगर हम बात करें इसका जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है जो कि 66। अब बात करें पोस्ट कोड बी यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, लगभग यहाँ पे 64 के आसपास में कट ऑफ जाने का उम्मीद है। वहीं बात करें पोस्ट कोड सी, पोस्ट कोड सी यानी कि स्टेनो ग्रेड 2, लगभग 67 के आसपास में यहाँ पे कट ऑफ देखने को बनेगा। वहीं बात करें पोस्ट कोड डी का, पोस्ट कोड डी मीन्स कि असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी का बात करें, तो लगभग यहाँ पे 63 जाने की उम्मीद है। अब बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट कोड ई मीन्स की टाइपिस्ट हिंदी का, लगभग 62 कट ऑफ आसपास में जाने की उम्मीद है। वहीं बात करेंगे पोस्ट कोड एफ, एफ का मतलब यहाँ पे है आपका असिस्टेंट जनरल, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस पोस्ट के लिए लोग अप्लाई किए हैं, यहाँ पे 64 के आसपास में कट ऑफ रहने की बात, यहाँ पे हो सकता है कि जो एक कट ऑफ होगा 64 के आसपास में रहेगा। वहीं बात करते हैं हम जी के बारे में आते हैं, पोस्ट कोड जी, पोस्ट कोड जी में क्या है तो असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स का, ठीक है, लगभग 64 के आसपास में रहने की उम्मीद है कट ऑफ। और बात करें यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल का 63, और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे फॉर्म में अप्लाई किए हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डिपोर्ट के लिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे जनरल वाले जो सबसे ज़्यादा अप्लाई किए थे, तो यहाँ पे लगभग 62 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, क्लियर। वही बात करते हैं साउथ जोन में आते हैं, साउथ जोन में सीट कितना था, 540। पोस्ट कोड ए 67 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, पोस्ट कोड बी 66, पोस्ट कोड सी लगभग 67, पोस्ट कोड डी 64 के आसपास में, पोस्ट कोड ई 66, पोस्ट कोड एफ 65 के आसपास में, पोस्ट कोड जी 65 यहाँ भी लगभग, पोस्ट कोड एच 64 के आसपास में, और आई, पोस्ट कोड आई का भी लगभग साउथ जोन जहाँ 540 सीट है लगभग इस तरह का यहाँ पे कट ऑफ देखने को बनेगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं पोस्ट यहाँ पे ईस्ट जोन में, ठीक है। ईस्ट जोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देख लीजिए, ईस्ट जोन की अगर यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ का बात मैंने कर लिया, साउथ का बात कर लिया, अब आते हैं ईस्ट जोन में, ठीक है। ईस्ट जोन में टोटल सीट यहाँ पे कितना है देख लीजिए, 538। अगर बात करें पोस्ट कोड ए का, 67 के आसपास में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। पोस्ट कोड बी, यहाँ पे पोस्ट कोड भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है, आप देख लीजिए, पोस्ट कोड बी 65, पोस्ट कोड सी 67 के आसपास में, पोस्ट कोड डी 64, पोस्ट कोड ई 66, पोस्ट कोड एफ यहाँ पे जो होगा 65, पोस्ट कोड जी 65, पोस्ट कोड एच 64, और पोस्ट कोड आई 64 के आसपास में
रहने का उम्मीद है ईस्ट जोन 538 सीट के लिए, ठीक है। अब आते हैं बेस्ट जोन में भी, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। बेस्ट जोन में जो पोस्ट कोड ए के लिए अगर बात करें 64 के आसपास में रहने का उम्मीद है कट ऑफ का, वहाँ बात करें पोस्ट कोड बी का तो 63, पोस्ट कोड सी का 64, पोस्ट कोड डी का जो है यहाँ पे 65, पोस्ट कोड ई का 62, पोस्ट कोड एफ का 64, पोस्ट कोड जी का जो है यहाँ पे 63, पोस्ट कोड एच का 65, पोस्ट कोड आई का 66 के आसपास में बात हो रही है यहाँ पे बेस्ट जोन में, जो कि सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थे, ठीक है। वही बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर सीट था 291 सीट था। तो पोस्ट कोड ए की बात करें तो 62 के आसपास में कट ऑफ देखने बन सकता है। वहीं बात करें पोस्ट कोड बी का तो 60, पोस्ट कोड सी का 62, पोस्ट कोड सी का हो गया, पोस्ट कोड डी की बात करें यहाँ पे तो 63, पोस्ट कोड ई का टैपिस्ट हिंदी के लिए अगर बात करें 65, वहीं बात करें पोस्ट कोड एफ का 67, पोस्ट कोड जी का 61, पोस्ट कोड एच का 63, पोस्ट कोड आई का 66 के आसपास में रहने का उम्मीद है गाइस। तो यहाँ पे देखिए सारे पोस्ट कोड का मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा पोस्ट कोड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो सबसे ज़्यादा अप्लाई जो हुआ था यहाँ पे देख लीजिएगा डिपोर्ट में, और दूसरा जो था सबसे ज़्यादा अप्लाई हुआ था वो जनरल में, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड थ्री जनरल के लिए लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई किए थे और डिपोर्ट में, क्योंकि यहाँ इन दो सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन पे था, ठीक है ना, ये ग्रेजुएशन पे था तो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट काफ़ी संख्या में थे। बाकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की बात करें यहाँ पे तो उन लोग का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थे कैंडिडेट का वो कम रहा है, स्टेनो का भी लगभग कम रहा है, एजी टू हिंदी के लिए और यहाँ पे टाइपिस्ट हिंदी के लिए लगभग यहाँ भी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के तो जनरल और डिपोर्ट के बाद सेकंड यहाँ पे रहने की रहे हैं, और थर्ड की बात करें यहाँ पे अकाउंट्स और टेक्निकल वाले, तो सबसे कम यहाँ पे टेक्निकल जो डिपार्टमेंट्स है या फिर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो वहाँ पे लगभग जो कैंडिडेट थोड़े कम बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह रहा कि कम है, लेकिन बहुत थोड़े कम थे कंपेरिजन जनरल एंड डिपोर्ट का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग सारे जोन का यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात मैं बताया हूँ कि इस प्रकार रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर होगा। मैंने अभी बता रखा है कि लगभग आपका 30 जून तक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फेज़ वन का जो पेपर हुआ था आपका 31 मई से लेकर 3 जून तक है, पेपर टू इसके बाद जो होगा, ठीक है, फेज़ अब पेपर टू नहीं बल्कि अब फेज़ टू होगा, जिसका मैं उसके बारे में मैं फेज़ टू का जो था पूरे सिलेबस का, ठीक है, पूरे सिलेबस का डिस्क्रिप्शन मैं पहले भी अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, तो उसका जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जो है फेज़ टू का, ठीक है, फेज़ टू का सिलेबस आप देख सकते हैं, उसका सिलेबस देख सकते हैं कि क्या रहेगा फेज़ टू का सिलेबस, ठीक है। फेज़ टू का सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सभी पोस्ट कोड के लिए डिफरेंट होंगे, फेज़ टू में अलग अलग पेपर होंगे, आपका FIE, ठीक है, FIE में जो होगा सिर्फ एक ही पेपर एग्ज़ाम होगा, बाकी जो दो पेपर वाले एग्ज़ाम होंगे पोस्ट कोड ए बी जी एच वाले होंगे और डी वाले, ठीक है, ये जो है पांच पोस्ट ए बी जी एच, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ ए बी जी एच और यहाँ पे डी, ठीक है, ये जो पांच पोस्ट में है ना यहाँ पे टू पेपर एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, टू पेपर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये तो हो गया। और अभी मैंने सिर्फ वन पेपर वाला एग्ज़ाम की बात कहा था, कौन कौन होंगे, FIE और आपका E, ठीक है, ये जो होंगे ना सिर्फ ओनली वन पेपर होंगे, ओनली वन पेपर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ओनली वन पेपर होगा। और आपका पोस्ट कोड डी की बात यहाँ पे मैं कर रहा था, पोस्ट कोड कहाँ गया, सॉरी, सी की बात करूँ तो ये भी आपका सिर्फ एक ही पेपर का एग्ज़ाम होगा, है ना। तो आपको मैं पता बता दिया कि पोस्ट कोड कौन कौन से एक पेपर होंगे सिर्फ, तो ये जो चार पोस्ट आपको दिखा वो आपका होगा एक पेपर, और अभी मैंने बताया था ए बी डी, ठीक है, जी एच, ये जो पांच पोस्ट के लिए था, ठीक है, ये जो पांच पोस्ट के लिए जो पेपर था वो दो पेपर के लिए एग्ज़ाम होगा, मीन्स कि पेपर वन होगा वहाँ पे, टू पेपर होगा, पेपर वन एंड पेपर टू। इसी तरह पोस्ट कोड डी में भी आपका दो पेपर होगा, डी में भी आपका पेपर थ्री पेपर फोर होगा, है ना, ए बी जी एच में पेपर वन एंड पेपर टू, पोस्ट कोड डी में पेपर थ्री एंड पेपर फोर होगा, ठीक है। पोस्ट कोड सी के लिए बात करें तो पेपर फाइव ओनली होगा, और पोस्ट कोड ई मीन्स कि टाइपिस्ट हिंदी के लिए पेपर थ्री ओनली होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पेपर फोर में सिर्फ निगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर फोर में आपका जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, है ना, और पेपर फोर किस में होगा, मैं अभी बताया था पेपर फोर जो होगा आपका पोस्ट कोड डी वाले में होगा, ये डी वाले में जो होगा ना इसमें जो पेपर फोर होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, बाकी सभी में आपका वन
वाई फोर्थ निगेटिव होगा। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी इन सभी का जो है थोड़े डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। बात करें तो इनका डिफरेंट जो होगा आपका सिलेबस रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आई होप कि आप लोग को जो भी मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताया हूँ उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। तो आप मिसलीड मत होना, ठीक है। ये वीडियो आपको मिसलीड नहीं करने के लिए बनाया गया, बल्कि एक एक्सपेक्ट करने के लिए, जो बच्चे जो कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको एक अपने आप एक बिलीव हो जाए कि भाई मैं इतना किया हूँ और इतना आ रहा है लगभग मेरा मार्क्स, तो एक उम्मीद एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना आगे की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव थाउट को लेकर यहाँ पर ये वीडियो बनाया गया, ना कि आपको निगेटिव थाउट को लेकर या मिसलीड करने के लिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, आप इसे फॉलो करें, वरना कोई बात नहीं। और आप हमें कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं, अपना एक आइडिया बता सकते हैं भाई कि आपके अनुसार जो कट ऑफ हो क्या होगा, ठीक है। ये तो मेरे अनुसार जो था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं बार बार कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है जो कि आपको यहाँ पे जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फाइनली जो अनाउंस होगा उस दिन जब होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन रिजल्ट के बारे में मैं इस चीज़ का बात करूंगा, या फिर रिजल्ट जब आएगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को दे दूंगा। गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।